नाउ द क्वेश्चन नंबर 51। अब आपको हैरानी होगी, व्हेन आई वाज इन माय प्रिपरेशन टाइम 2005 to 10, कार्बन नैनोट्यूब्स 2008 से न्यूज़ में था, फिर ये दोबारा न्यूज़ में आया 2014 में, फिर दोबारा न्यूज़ में आया 2017 में। 2017 में इसलिए न्यूज़ में आया बायोकेमिकल सेंसर्स के लिए, UPSC ने सबको कंपाइल कर दिया इनका 10 ईयर को अगर आप देखेंगे तो। दीज आर वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चंस एंड वेरी गुड क्वेश्चन, और यहीं पर ही बच्चों को मात मिली क्योंकि उनको समझ में नहीं आया इसका क्या होगा। देर आर द कैरियर ऑफ ड्रग्स, बिल्कुल सही है। एंटीजन कहीं नहीं दे रखा, लेकिन हम मान लेंगे एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी भी होता है। 1 करेक्ट होते साथ बी कट जाएगा। अब हमें देखना है 2 दो में कॉमन है, 3 दो में कॉमन है, 4 दो में कॉमन है, तो हम एक बार देख लेते हैं ये वाला कार्बन नाइट्रोजन और बायोकेमिकल, बायोकेमिकल सेंसर, ये दोनों एक साथ सही होंगे 3-4, और 3-4 जैसे ही 1 के साथ आएंगे तो आंसर डी निकल जाएगा। इस तरीके से इसे करना था, तुक्का ले भी सकते थे नहीं भी, बट डी इज द आंसर, क्लियर। कार्बन नैनोट्यूब्स ग्राफीन के साथ पढ़ा था हमने। अब ड्रोन्स के एप्लीकेशन पूछे, सॉरी हाँ ड्रोन का पूछा। अभी हमने इसमें सब दे रखा है, डी इज द आंसर, इसमें क्या समझाऊँ, कॉमन सेंस था। अब ये देखो, ये दो तो कोई भी काट देगा जब वो कॉमन सेंस लगाएगा कि भैया वॉयजर किसके लिए है और हमारा ये किसके लिए, क्या बोलते हैं, न्यू होराइजन है ना, ब्लैक होल की इमेज ली थी। तो अब दो फंस गए, लीजा पाथफाइंडर एंड इवॉल्वड लीजा। तो पाथफाइंडर प्रोजेक्ट है ना एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए था, तो ये गलत हो जाता है, तो हम इसमें डी रिस्क ले सकते थे, कुछ लोगों ने लिया और ये प्रोजेक्ट हमारा बिल्कुल न्यूज़ में था लेकिन 2 साल पहले तो वही 2018 वाला कंसेप्ट चल रहा है, 2018 के मैक्सिमम करंट अफेयर्स दिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे प्रोटोटाइप लर्निंग से दूर भागें और वो चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। अब देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जीन थेरेपी। आपको पता होना चाहिए 2017 और 19 में एक न्यूज़ कॉमन रही, माइटोकॉन्ड्रियल बेबी इन UK, सर्च कर लेना। इसी से UPSC ने इस पेपर में, इन दिस पेपर देर आस्किंग 2 क्वेश्चन, एक न्यूक्लियर करके कुछ पूछा और एक ये पूछा। पहला पूछा, जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन सेल टू प्रोड्यूस एगोस्पर्म और प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, बिल्कुल सही है। अगर आपने गुड न्यूज़ करके पढ़ा हो, सुना हो, और अगर आपने डिजाइनर बेबी का पढ़ा हो तो उसके अंदर स्टेटमेंट दे रखी है कि हम पैदा होने से पहले ही मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ना, गुड मैनर, क्लियर। फिर इसके बाद पर्सन जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही बात है, हम बिफोर बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज पर कर सकते हैं। और ये रिसेंट रिसर्च आई थी जो हमने यहाँ पर दिया और हमने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुड मॉर्निंग टाइम्स में भी दिया कि पिक्स के आदमी में और आदमी के पिक्स में इंसर्ट किए जा रहे हैं। डी इज अ 100% करेक्ट आंसर ऑफ दिस सोमेटिक, लास्ट टाइम क्रिस्पर सेज 9, तो हम पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किन एरियाज पर आएगा। फिर 3 पेरेंट बेबी के अंदर किस तरह से काम चल रहा है वो हमने पूरा दिया इसके साथ। फिर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये हमारा मिशन इंद्रधनुष का पार्ट है और हमें पता है कि जो निमोनिया होता है वो सबसे होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो निमोनिया होता है उसकी वैक्सीन जो मेनिनजाइटिस सेप्सिस में भी काम आती है, मिशन इंद्रधनुष में साफ साफ दे रखा है। तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 को करेक्ट मानते हैं तो 3 हमारा कट जाएगा। फिर ये हम सबको बताना चाहिए कि जो वैक्सीन होती हैं उसके साइड इफेक्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा तो एलर्जिक होती है, इसलिए डॉक्टर्स हमेशा वैक्सीन लगाने का बोलते हैं बता दीजिएगा एलर्जी ना हो, तो ये गलत हो गया नो की वजह से। पहला सही है, तीसरा गलत हो गया, पहला सही है और तीसरा गलत हो गया, तो अब 1 और 2 तो देखते हैं होता नहीं होता है। डिपेंडेंस एंटीबायोटिक पे कम होगी, बिल्कुल कम होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीन लगाएंगे प्रिवेंटिव होती हैं, तो 1 और 2 इज द आंसर एंड इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन टू डू। अगर आप ये छोड़ के आ रहे हैं इसका मतलब आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए और दिमाग में बिल्कुल सही चाहिए कि हाँ अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो दवाई लेने की कम पड़ेगा। फिर ये तो लास्ट ईयर का एक रिपीट हो गया, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिग्नेचर, इसमें तो क्या बोलूँ, हंसी आती है। तो अगर आप टोटल कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन ईजी वाले थे, है ना। और ये चारों वीडियो जरूर देखिएगा और जल्दी जल्दी बना रहे हैं हम लोग। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रिगार्डिंग प्लांट सेल एंड, इसका ए आंसर है, हमने कभी पढ़ाया नहीं, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे आगे के लिए आपको दे दिया है। अब ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया, बेंजीन। अब इसको ऐसे कर सकते थे कि बेंजीन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है और ये पेट्रोल पंप से भी निकलता है जबरदस्त तरीके से, और हमने अपनी बुकलेट में कई बार दिया है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से होगा, टोबैको से भी होगा, और ये जो वार्निश होती है ना फर्नीचर, इससे होगा, तो 1, 2, 3 तो पक्का सही है। तो जब हम इसकी तरफ गए 1, 2, 3 की तरफ, तो हमने देखा कि इसके आंसर है 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5 सारे इसके आंसर दे रखे हैं। तो 1, 2, 3 तो बिल्कुल ठीक है, वुड बर्निंग से तो पक्का निकलेगा, जब वुड फर्नीचर से निकलेगा 2 तो बिल्कुल साथ साथ आएंगे, तो डी इज द आंसर ऑल ऑफ द अबव। वोल्केनिक दर्जा से कर सकते हैं, इसमें आंसर देना हम भूल गए, तो डी इज द आंसर, डी इज द आंसर, बुकलेट में हम दे देंगे आंसर जब आप इसे क्लिक करेंगे बुकलेट्स के लिए।
अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कितना, मतलब इकोनॉमिक्स प्योरली अप्लाइड, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हमें रोकना है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू सम इम्यूनिटी, तो नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरन बोरोइंग्स था, ठीक है। फिर इसके बाद था ओपनिंग अप मोर फॉरन बैंक्स एंड मेंटेनिंग फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे कितना जबरदस्त है, अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर, अगर होगी, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन पॉलिसी आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया, तो इंडिया को इम्यूनिटी इसी से मिलेगी कि नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरन बोरोइंग्स, ए पर जाना था, और ये हमने इकोनॉमिक्स में संजीवनी बुकलेट पर बहुत अच्छे से समझाया था। अब ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है, अगर हमें 1,00,000 रुपये डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से निकालूंगा, इसे बोलेंगे नैरो मनी, और नैरो मनी में बैंक अपने एक अकाउंट का पैसा दूसरे में डाल देता है, दूसरे का तीसरे में, उसका इकोनॉमी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। डी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस, नो लीव इट चेंज, और कोचिंग ने क्या दिया मुझे नहीं पता, बट दिस इज अ फुल एक्सप्लेनेशन। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट नैरो मनी होता है, तो इन्होंने इनडायरेक्टली नैरो मनी पूछा, और ये हमने अपने संजीवनी बैच का दिया है आपको, नैरो मनी डिमांड डिपॉजिट पूरा दिया है, डिमांड डिपॉजिट मनी को बोलते हैं, इससे जिसने भी पढ़ा होगा अच्छे से मार के आ गया होगा, जिसे पता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 इज दैट्स द पारामितास, है ना, मेडिवल इंडिया से, सी इज द आंसर, इसमें तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें क्या समझाऊं मैं आपको। देन रकमाबाई, ये 2018 में था, एस्पायर की टेस्ट सीरीज में था, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था, क्योंकि गूगल डूडल करके था उसके अंदर था, और अभी रिसेंटली एज ऑफ कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें बोल रहे हैं एज, शादी की एज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, तो ये आने का पूरा चांस था, तो बी इज द आंसर, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अब ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, एनसीआरटी का सीधा क्वेश्चन है, इट्स अनपोर्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि नए तरह के इन्वेंशन आ गए थे, तो इंडिगो की कमी हो गई। ये भारत का एक बहुत बड़ा रीजन था पीछे जाने का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पैसा कमाने के लिए भारत में इंडिगो उगाया, उसका जब कम हो गया उसको हमें ही भुगतना पड़ा। ऐसी वैलेजली स्टेब्लिश द फोर्ट दैट इज अ कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज ही वॉन्टेड ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस। सब स्पेक्ट्रम के सीधे क्वेश्चन है, फ्रॉम रेडी रेफरेंस डाटा एंड द चैप्टर्स, सीधे सीधे क्वेश्चन है हिस्ट्री में। फिर उलगुलन कई कई बार बताया, रेडी रेफरेंस डाटा अगेन ऑफ द स्पेक्ट्रम, बिरसा मुंडा रिवोल्ट, रेडी रेफरेंस खोलना, सीधा दे रखा है रेडी रेफरेंस डाटा स्पेक्ट्रम में, तो सब स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम स्पायर की नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 66, इट इज रिलेटेड टू द एंशियंट इंडिया एंड द ओवरऑल क्रोनोलॉजी, आंसर इज सी। क्लियर सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी में हमने कराया, पढ़िएगा जरूर, प्रतीक ने बहुत अच्छे से कराया, थैंक यू प्रतीक कि उसने इतना अच्छा फ्री लेक्चर लिए बच्चों के लिए, बिकॉज ही हैज हिस्ट्री एज ऑप्शन, तो जो बच्चे इसे सुन रहे हो आपके लिए पूरा हिस्ट्री का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे सुनिए और जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर हमने इसका लिंक दिया है, सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी, लेट्स क्रैक इट। फिर इसके बाद प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये एस्पायर की बुकलेट था गुड मॉर्निंग टाइम्स अप्रैल के अंदर, जिसके अंदर हमने साफ साफ आंसर दिया, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इन द ऑफ स्प्रिंग, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर बोलते हैं उसको, जिसने ढंग से पढ़ा होगा उसको पता चल जाएगा। ये देखो हमने अपने उसका दिया है, दिस इज प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, अब विश्वास कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो भैया जैसे पढ़ रहे हो प्रोटोटाइप वैसे पढ़ते रहो। देन विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी इफेक्टिव, नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसके अंदर बोला गया कि नीति आयोग हब के लेके गया, जिसके अंदर उसने एक बात साफ साफ बोली कि अभी शॉर्ट टर्म में हम लोग उन्होंने क्या बोला था मैं बताता हूं आपको, कि हम शॉर्ट टर्म में अभी हम शॉर्ट टूरिस्ट और सॉन्ग्स नहीं बना सकते हैं, तो अगर हम टू काटेंगे इसके अंदर से, अटक गया रुक जाओ, तो टू काटते साथ ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अपने आप आंसर आ गया 1, 3 and 4, तो यही आपको दिमाग में लगाना है, बी इज द आंसर, नीति आपकी रिपोर्ट है, हमने साफ साफ दिया और हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। फिर विजुअल लाइट कम्युनिकेशन, लाइफाई आपने पढ़ा ना, उसी की टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो लॉन्ग रेंज के लिए नहीं लेके जाती है, अगर हम लॉन्ग रेंज वाला काट देंगे सी आंसर आ जाएगा 1, 3, 4, कितना ईजी है ना, एक एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए जो हार्ड क्वेश्चन है, तो हार्ड क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेंगे अगर हम एक एक स्टेटमेंट पता होगा, ये हमने दे रखा है ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एज वेल एज लाइफाई, जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं कि शॉर्ट रेंज में होती है लॉन्ग रेंज में नहीं, लेकिन पता भी होना चाहिए ना कि विजुअल लाइट टेक्नोलॉजी लाइफाई की है, इसलिए मैं मानता हूं, ठीक है गलत हो गया कोई बात नहीं। देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, न्यूज़पेपर का ये पार्ट रहा है, जिसके अंदर डी इज द आंसर 1 and 3, और 1 and कुछ लोगों ने इसका ओनली 1 दिया, मैंने 3 इसलिए दिया है, इसमें लिखा हुआ एप्लीकेंट्स दैट डिपेंड ऑन बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन डेवलप विदाउट एनी बडी परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं लेनी पड़ सकती, बिल्कुल सही है यार, देर इज नो परमिशन फ्रॉम एनी वन टू डू दिस थिंग, एंड द आंसर इज डी एंड इट इज फ्रॉम एस्पायर, दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अक्टूबर 2019, आप देख ही पा रहे होंगे बुकलेट से आया है सीधा क्वेश्चन, और आर्टिकल भी हमने दे रखा है विद रेफरेंस। देन क्वेश्चन नंबर 71, इट इज अगेन फ्रॉम एंशियंट, दैट इज अ इंडिया, बी इज द आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 72, बुद्धिज्म, मायान एंड दिस थिंग, आंसर इज बी अगेन।
देन क्वेश्चन नंबर 73, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन. मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ये हुई थी 1853 और ये पूछा स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये गलत हो गया. रेलवे लाइन डलहौजी ने बिछाई थी, ये भी गलत हो गया 1857 के बाद. हैवी ड्यूटीज, ये भी बाद में आया था, तो आंसर क्या बचा, ए. इस तरह से हम निकाल सकते थे. इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पेक्ट्रम. देन क्वेश्चन नंबर 74, आंसर इज सी, अगेन फ्रॉम मेडिवल इंडिया. देन हुंडी, हुंडी हम सबको पता होता है, हुंडू, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, अ बिल ऑफ एक्सचेंज. सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, बिल ऑफ एक्सचेंज. हर्षा के समय से हुंडी चलती है, तिरुपति टेम्पल में भी हुंडी है, लेकिन उसमें पैसा डालते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट 75 क्वेश्चन. दिस इज अ थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो के जरूर आइए. वी कैन अगेन डिस्कस फ्रॉम 76 टू 100 क्वेश्चन द लास्ट.